पितृपक्ष, क्या करें क्या ना करें, देवताओं की पूजा सही या गलत। मित्रों, पंचांग के अनुसार पितृपक्ष प्रत्येक साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान मृत्यु तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना और श्राद्ध करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ पृथ्वी लोक में वास करते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ ये उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे, क्योंकि इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसे कई नियम हैं जिनका पितृपक्ष में पालन करना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि पितृपक्ष किन चीज़ों का दान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, वहीं याद अपने पितरों को तर्पण करते रहें तो ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें। तर्पण के दौरान पानी में काला तिल, फूल, दूध व कुश मिलाकर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितृ जल्द ही तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिन में पितरों के लिए अलग से भोजन निकालकर जरूर रखना चाहिए। बाद में वह भोजन गाय, कौवा या कुत्ता आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि इन जानवरों और पक्षियों के माध्यम से ये भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान अपने घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान न करें, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण पितृदोष भी लग सकता है। पितृपक्ष के दौरान आप कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि न करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से उनका शुभ फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को न मारें और न ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन की व्यवस्था करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान किन चीज़ों का दान करने से पूर्वजों की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी आती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बताई गई चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जिस दिन आप अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन भोजन करने वाले ब्राह्मण को चांदी की कोई वस्तु दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन न दे पाए तो आप सर्व पितृ अमावस्या को चांदी की कोई वस्तु किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से है, इसीलिए चांदी दान करने से चंद्र ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष में काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार यदि परिजन श्राद्ध में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने में असमर्थ हो तो उन्हें पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी काला तिल दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। पितृपक्ष में गुड़ के दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गुड़ के दान से धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं और सूर्य की कृपा बनी रहती है।
पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जूते चप्पल का दान करने से आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है, इसलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि जूते या चप्पल नए होने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। इसको दान करने से पितृ खुश हो जाते हैं और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृ लोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो हम आपको बता दें कि पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितृदेव हमारे लिए जरूर पूजनीय हैं, लेकिन हमारे ईश्वर या परमात्मा से उच्च नहीं है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटनों को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के लिए श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाएं और हाथ में कुश रख कर उनका तर्पण करें। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला में स्नान करने के पश्चात पितरों का ध्यान करें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा गरीबों को भोजन भी कराएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब